Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी और हमारे सभी यहाँ हिमाचल सरकार में मंत्री राजेंद्र गर्ग जी, सुभाष ठाकुर जी, जया अग्रवाल जी, नीतीश शर्मा जी और सभी वरिष्ठ साथीगण और हमारे मीडिया के मित्र, आज हम यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के आंगन में आए हैं। इससे पहले मेरा ये 4 दिवसीय हिमाचल का दौरा रहा। पहले दिन में हमने हिमाचल प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ भी चर्चा की थी और प्रदेश के विधायकों के साथ मुलाकात हुई थी और प्रदेश के कोर कमेटी के साथ भी मुलाकात हुई थी और उसके बाद फिर एक बूथ पर भी हमने बैठक ली। दसेरन बूथ का अर्की मंडल का, वहाँ 1 घंटा हमने बूथ की बैठक ली अर्की मंडल में और उसके बाद फिर 2 दिन का हिमाचल बिलासपुर का दौरा रहा और लगभग 22 मीटिंग्स मेरी हुई 2 दिनों में और 20 से 25,000 मित्रों से साथियों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अंतिम दौर में हम यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक रिव्यू मीटिंग लेने के लिए आए थे और उसमें हम लोगों ने रिव्यू लिया है। सबसे पहले मैं जयराम जी का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रोजेक्ट को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किए और भारत सरकार के इस प्रोजेक्ट को, मोदी जी के प्रोजेक्ट को हिमाचल सरकार ने पूरा साथ दिया और सहयोग किया और ये मैं कहता हूँ कि डबल इंजन का नतीजा है कि यह काम हम कर पा रहे हैं। पानी की का विषय था तो 66 करोड़ रुपीस की लागत से हाइड्रो इंजीनियरिंग को और इसको अपना और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए, एम्स के लिए, और उसमें जो व्यवस्था थी वो कुल मिलाकर के 2.1 ml मिलियन लीटर्स है। तो वो उसकी स्वीकृति आपने दी। 95% ऑफ द वर्क हैज बीन डन और इसलिए ये ऑपरेशनल होने में दोनों दृष्टि से बहुत लाभ रहेगा। उसी तरीके से रोड्स के लिए भी जो अंडरपासेस बनने हैं उसकी स्वीकृति आपने दिलाई और बहुत कम समय में वो स्वीकृति मिली है। इसलिए ये जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऑपरेशनल पूरी तरीके से हो जाएगा उससे पहले ट्रैफिक की समस्या भी सुलझ जाएगी और ट्रैफिक जो नेशनल हाईवे पर है उससे जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आने वाले लोग होंगे उनके चलते ट्रैफिक कंजेशन ना हो, उनको असुविधा ना हो, एक्सीडेंट के चांसेस ना हो, उसके लिए अंडरपासेस बनने की जो बात है वो सारी बात की आदरणीय जयराम जी ने उसकी स्वीकृति दी है। इसके लिए मैं धन्यवादी हूँ भारत सरकार की ओर से और ये मैं कह रहा था जैसे कि डबल इंजन का एक हमको इसमें रूप दिखता है। फॉरेस्ट क्लियरेंसेज से लेकर के बाकी सारी चीज़ें करने में और ज़मीन दिलाने में भी जो आपने योगदान किया है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज की मीटिंग में हम लोगों ने इन टोटालिटी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये 1470 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के तहत अब फर्दर डेवलपमेंट के लिए भी प्रोजेक्ट्स चल पड़े, यानी उसके साथ साथ और क्या जोड़ना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो मैंने कहा कि वो भी आप मुझे लिख करके दे दीजिए तो हम उसको कर लेंगे। अभी जो हम लोगों ने तय किया है फैकल्टी का, जहाँ तक सवाल है फैकल्टी के लिए इंटरव्यूज चल रहे हैं और फैकल्टी दी जा रही है। OPD शुरू हो गया है। जून महीने में हमारा टारगेट है कि हम IPD शुरू कर देंगे और IPD फिर एक्सपैंड करेंगे धीरे धीरे करके। तो हमारी कोशिश ये है कि हम जून जुलाई में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से इसका श्री गणेश फॉर्मल तौर पर वो शुरुआत उसकी आईपीडी की हम करेंगे और एक तरीके से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की शुरुआत हो जाएगी। इसमें एक बात मैं ज़रूर आपको कहना चाहता हूं और आपसे मैं इसमें सहयोग भी चाहूँगा कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के स्टैंडर्ड्स के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। ये आप इसमें मुझे पत्रकारों का भी सहयोग चाहिए। अभी देखिए 50 इंटरव्यूज हुए, इस 50 इंटरव्यूज में भी कम से कम 30 ऐसे होंगे नॉट फाउंड फिट, हमको फिर से री इंटरव्यू करना पड़ेगा। हाँ 210 ml, हाँ 210 ml वो पानी जो, तो इसलिए हमको ये ध्यान में रहे कि जी स्टाफ कम हो गया, स्टाफ नहीं है। मैं स्टाफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला हूं, क्योंकि यहां मैं आपको समझा दूं, क्योंकि आप देखिए इस एम्स के रचयितों में से आप लोग भी हैं। जिस तरीके का वातावरण बनाएंगे उस तरीके का वातावरण बनेगा, इसलिए इसमें संभाल करके आपको भी चलना पड़ेगा। एम्स और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और स्टेट हॉस्पिटल में अंतर क्या है? अंतर यह है कि एम्स एक कल्चर है, इसलिए लोग एम्स में जाते हैं क्योंकि वो कल्चर है। कल्चर क्या है कि पेशेंट के लिए जान लगा देना, यही उसकी जान है, तो इस और उसके रिसर्च के लिए पूरी ताकत लगाना, उस पेशेंट से स्टडी करके और कैसे इंप्रूवमेंट हो सकता है इसको समझना। तो इसलिए वहां पर रिसर्च ओरिएंटेड फैकल्टी होती है, और वो रिसर्च ओरिएंटेड फैकल्टी इसलिए नहीं होती कि मेरा टाइम हो गया अब मैं चला, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता है एम्स में, नहीं होता है। तो एम्स का कल्चर, और हम जो ये अभी 22 एम्स बना रहे हैं ना, इन सब की हम दिल्ली ट्रेनिंग करा रहे हैं ताकि वो दिल्ली का कल्चर यहाँ पर आए एम्स का। तो फैकल्टी की दृष्टि से अभी हम लोग इंटरव्यूज ले रहे हैं, और वो हम, और ये सतत प्रोसेस है, आप याद रखिएगा अगले 4 साल इंटरव्यू चलते रहेंगे। हर डिपार्टमेंट का दोबारा होगा, हर डिपार्टमेंट का दोबारा होगा, रोस्टर फॉलो होगा। रोस्टर को भी हम कैरी ऑन नहीं करेंगे, उसको भी हम रखेंगे। अगर शेड्यूल ट्राइब की सीट है तो शेड्यूल ट्राइब की सीट पर जाएगी, शेड्यूल कास्ट की सीट है तो वो भी उसी को जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर के एक इस शुरुआत के साथ हम चलने वाले हैं, तो हम जून में इसकी शुरुआत करना चाहते हैं, और उसके लिए आज जो रिव्यू की मीटिंग हुई है उसमें से हम लोगों ने जो बात की है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। एक और विषय पर आज प्रेजेंटेशन हुई है, वो है कि कंजर्वेशन ऑफ सबमर्ज टेम्पल्स ऑफ बिलासपुर। ये भाखड़ा डैम में जो टेम्पल्स डूब गए थे उनको, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करने का विचार है। 400 करोड़ के दृष्टि से 1400 करोड़ के दृष्टि से ये प्रोजेक्ट है जिसको पूरा किया जा रहा है। इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवादी हूँ, जिन्होंने अपने बजट के भाषण में हिमाचल सरकार के इंटेंशन को उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस प्रोजेक्ट को हम अंडरटेक कर रहे हैं। और इसमें और भी मैं आपको बता दूं कि ये 3 स्टेजेस में होगा। पहला स्टेज है नाले के नॉन को डेवलप करना और वहाँ के मंदिरों को एक जगह पर ला करके उनको स्थापित करना। दूसरी स्टेज है कि वहाँ से फेरी की व्यवस्था भी करना और ब्रिज की भी व्यवस्था करना और शांडू मैदान से लिंक करना, और साल्डू मैदान में फिर एक बहुत बड़ा एलिवेटेड जो कभी पानी में ना आए उस एलिवेटेड प्लेटफॉर्म बना करके उसका टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करना। और उसके बाद आज एक और प्रपोजल आया है कि उसी में से एक ब्रिज बना करके उस पार भी जो केबल स्टेट तो वो करने का एक उसमें प्रोजेक्ट है। और इसके साथ साथ फिर 3rd स्टेज भी है, लेकिन 3rd स्टेज के बारे में आज मैं चर्चा इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि जब तक हम BBMB से उसकी क्लियरेंस न ले लें तब तक हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है कि मैं उसकी चर्चा करूँ। तो इन 2 स्टेजेस की हम बात कर रहे हैं, और मैं आज बहुत ही शुभ दिन है और खुशी का विषय है कि जयराम जी ने उसके लिए 1st स्टेज के लिए अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट की ADB के द्वारा 100 करोड़ का 1st प्रोजेक्ट है बिन एक्सेप्टेड, और उस पर काम शुरू हो जाएगा। उसका भी हम शिलान्यास कराना प्रधानमंत्री से कराने का सोचेंगे, लेकिन उसके बेसिक्स तैयारी यानी फिजिबिलिटी और बाकी सारी चीज़ें उसकी कर पाएंगे, तो इस दृष्टि से हम कर रहे हैं। इसी तरीके से एक 24 करोड़ का वे साइड एमिनिटी डेवलप कर रहे हैं औहर में, तो उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने औहर के साइड में 24 करोड़ का वे साइड एम्यूनिटी बनाने का प्रयास किया है। अगली बार आऊँगा तो उसकी भी डिटेल आपको प्रेजेंटेशन दूंगा ताकि आपके ध्यान में आ सके। अभी आपको ये जो प्रोजेक्ट है उसके आपको एक पिक्चर जो होती है वो आपको शाम तक मिल जाएगी कि किस तरीके का हम प्रपोज कर रहे हैं। लेकिन ये कंजर्वेशन ऑफ टेम्पल्स और इसके साथ साथ ये जो 1400 का प्रोजेक्ट है ये इसको कमर्शियली भी वायबल किया जाएगा। इसको ये भी ध्यान में रखा जाए कि यह पिकनिक स्पॉट इतना बड़ा डेवलप होगा ताकि जो भी टूरिस्ट हिमाचल में आए वो बिना उस स्थान को देखे हुए न जाए, तो उसको हम कमर्शियली भी उसको करेंगे। आप देखेंगे उसकी तस्वीर तो आपको भी अच्छा लगेगा, लेकिन मैं उतनी ही दिखाऊंगा जितनी हम अभी कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ दिखा दें और हम ना कर पाए तो फिर वो भी ठीक नहीं होता है। तो इस तरीके का ये दो प्रोजेक्ट्स का विषय है। एक और प्रोजेक्ट है वो सीवरेज का प्रोजेक्ट है, वो भी 110 करोड़ का है, उसके लिए भी फंडिंग की व्यवस्था हो रही है, तो वो जैसी होगी तो ये मैं अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताऊंगा। लेकिन आज ये दो प्रोजेक्ट्स पर हम लोगों ने चर्चा की और हिमाचल सरकार ने और भारत सरकार के तरफ से तो हम लोगों को मोदी जी का आशीर्वाद मिला ही है। रेलवे लाइन का जो काम है वह अभी तक बिल्कुल डेट लाइन पर चल रहा है और प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि 2024 से पहले वो रेल यहाँ खड़ी हो जाए, ये उनका टारगेट है। तो उस पर हम लोग अग्रसर हैं। कंपनसेशन सबको दिए जा चुके हैं। कुछ लोगों के मन में विषय आए थे जो मुझसे मिले हैं। मैंने अभी तुरंत कहा है कि सेंट्रल टीम एक बार बुला करके उसको फाइनल करें जो भी करना है और उनकी रिप्रेजेंटेशंस को सुन लें और उसको भी कुछ ऑल्टरनेटिव्स किया जा सकता है तो करें। बट वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, उसमें भी हम ठीक ढंग से जा रहे हैं, ऐसा मुझे आपसे कहना है। तो आपने देखा होगा कि ये जितनी भी बातें मैंने कही हैं यह डबल इंजन को इंगित करता है, तो डबल इंजन को मजबूत रखना आपका काम है और आपका सहयोग मुझे उसमें चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका सहयोग मिलेगा। ये 4 दिनों के अंदर जो मैं हिमाचल घूमा हूँ मुझे बहुत अच्छा वातावरण दिखा है और मुझे लोगों में बहुत उत्साह दिखा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का कमिटमेंट मुझे स्पष्ट दिख रहा है और आपके सहयोग से हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि मैंने कल घुमारवीं में भी कहा था कि उद्देश्य ये नहीं है कि हम आना ही सिर्फ है, उद्देश्य ये है कि हिमाचल के लिए आवश्यक है कि डबल इंजन की सरकार बने और बीजेपी की फिर से सरकार यहाँ पर जयराम जी के नेतृत्व में बने और वो अच्छे ढंग से हिमाचल की सेवा कर रही है, आगे भी अच्छे ढंग से सेवा करे। इसके लिए हमें जनता ताकत दे, ये मैं उनसे आशीर्वाद दे, ये मैं निवेदन करता हूँ। 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ऐसा कोई है देश में जिस पर्टिकुलर इसको करना चाह रहे हैं? ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसके मॉडल को स्टडी करके हमने किया है और हम स्टडी कर रहे हैं। तो बड़े सालों से लगता हुआ देखिए ना, सोच का अंतर है कि हम बोलते रहे हम विस्थापित हैं, उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स क्या लाए जा सकते। मैं बधाई दूंगा हमारे अफसरों को जिन्होंने इस विचार को लेकर के आए। बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी। हालांकि जयराम जी ने आर्ट लैंग्वेज कल्चर डिपार्टमेंट को जगह भी मुहैया करा दी कि ये वहाँ शिफ्ट हो जाए, लेकिन फिर ये आइडिया आया कि उसी जगह क्यों ना करें। अगर आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है और हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम उस जगह को एलिवेट करके थोड़े अपलिफ्ट होंगे थोड़े, लेकिन सबको उठाया जाएगा और एक स्थान पर लाया जाएगा। तो इसमें क्या जलाशय पानी रोकेगा सर या किस तरह से उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो रोकने की बात होगी। लेकिन अभी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ और अभी मत लिखिएगा, क्योंकि जब तक हम बीबीएमबी से बात नहीं कर ले तब तक, क्योंकि कई बार क्या होता है वो सोचते हैं कि बिना हमसे पूछे आपने बोल दिया, आप देखो अब है तो हमारे पास, तो फिर बात लटक जाती है। आप कह रहे हैं कि पहले चरण के लिए कर ही दिया है और उसको काम शुरू हो गया, वो देख करके बताऊंगा। ये अलग प्रोजेक्ट है। कईयों की तो हवा निकाल दी है कि जैसा बना दी है, तो क्या कहेंगे सर गुजरात और हिमाचल के चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी को लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, मेरा पूरा विश्वास है। और जनता ने देखा है मोदी जी के काम को, और जनता ने देखा है विकास के काम को जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में। मैंने आपके सामने पहले भी बोला, 6148 किलोमीटर 5 साल में ग्रामीण सड़कें बनना ये छोटी घटना नहीं है। और जहाँ लोग अपने खेत ना देते हों, रास्ते में 10 प्रॉब्लम्स आती हों, एक्वायर करने का कोई प्रावधान नहीं है, उसके बावजूद 6148 किलोमीटर्स की सड़क 5 साल में बनना ये अपने आप में रिकॉर्ड है। तो विकास के काम बहुत हुए हैं, विकास के काम बहुत तीव्र गति से चले हैं। मैं यहाँ थोड़ा आपको बताना भूल गया कि ये MCH का जो कार्यक्रम है उसका भी डेट लाइन है। MCH 10 करोड़ की लागत से बन रहा है, 50 बेडेड कैपेसिटी का ये बन रहा है बिलासपुर हॉस्पिटल में। 30 जून 2022 इसकी कंप्लीशन डेट है। उसी तरीके से जो स्पेशल रिपेयर चल रहा है 2.5 करोड़ रुपए का, वो भी 31 मई उसकी डेट है। एक मोबिलिटी के लिए एलिवेटर लगने की बात है नैना देवी में, वो 5.99 करोड़ यानी 6 करोड़ की लागत से बन रहा है। 24% की कैपेसिटी का वो लिफ्ट लगेगी, 24 लोग एक साथ उस लिफ्ट में जा सकेंगे। उसका अभी फाउंडेशन स्टोन होना बाकी है, जयराम जी जब आप देख देंगे तो उसको करेंगे। उसी तरीके से ग्लास डेक बन रहा है, उस ग्लास डेक 5.9 करोड़ के लागत से बनने वाला है। ये हवा में आगे को एक्सटेंडेड ग्लास का वो बनेगा जो कि क्लियर व्यू पूरा इलाके का दे सकेगा, टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट होगा। 5.9 करोड़ का है, इसका भी अभी शिलान्यास करके इसका भी काम को शुरू करना है। एक आपके यहाँ DC ऑफिस में भी 28 लाख का लिफ्ट लगा है और वो भी अब ऑपरेशनल होगा 6 पर्सन्स के लिए। वो 15 अप्रैल तक यानी 2 दिन बाद तक वो उसकी कंप्लीशन हो जाएगी, इस तरीके की बात नहीं। तो ऐसे छोटे बड़े बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हाइड्रो प्रोजेक्ट का जो सवाल है वो भी हमारी कोशिश है कि हम उसके हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो भी हम अगस्त तक उसको भी हम ऑपरेशनल पूरे, वैसे तो 3रा बैच बैठ चुका है और बच्चे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी उसका भी हम उद्घाटन कराएंगे और उसको भी हम रखेंगे। अभी उसके बारे में हम नहीं बोलेंगे। जैसा मैंने कहा, ये रेलवे का जैसे ये 6,753 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 2024 तक इसको कंप्लीशन होने का, बिलासपुर तक का पूरा पूरा। आप सर शिमला में कहा था जैसे कि मतलब टिकट को नहीं, वो हमारी रेगुलर प्रोसेस है। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, इसको आप लोग समझते हैं बहुत बड़ा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि पहले हम रिकमेंडेशन मांगते हैं मंडल से, फिर हम रिकमेंडेशन मांगते हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट से, फिर हम रिकमेंडेशन मांगते हैं वहाँ के MP से, फिर हम मांगते हैं रिकमेंडेशन फ्रॉम आवर आइडियोलॉजिकल फ्रेंड्स जो है उनके साथ हम करते हैं। फिर उसके बाद इलेक्शन कमेटी बैठती है, तो स्टेट की इलेक्शन कमेटी बैठती है। स्टेट की इलेक्शन कमेटी 3 नाम लेकर के आती है पैनल में, फिर उस पैनल को लेकर के सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के पास जाते हैं। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के पहले इनफॉर्मली राष्ट्रीय अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर के साथ और प्रदेश अध्यक्ष के साथ और वहाँ के सेंट्रल स्टेट इलेक्शन कमेटी के 2-3 मेंबरान के साथ वह डिटेल्ड इनफॉर्मल चर्चा करती है। इनफॉर्मल चर्चा के बाद वो 3 में से 2-1 नाम लेकर के आती है और फिर वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को जाता है और उसमें से चीज़ें क्लियर होती हैं। उसमें क्राइटेरिया बहुत से हैं, विमेन, यूथ, ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, आर रिप्रेजेंटेड और नॉट, अच्छा उसके साथ साथ प्रोफेशनल्स हैं कि नहीं हैं, फिर उसके साथ साथ नए कितने हैं। तो ये एक रेगुलर प्रोसेस है। 10% के आसपास तो नए लोग आते ही हैं। हमारी पार्टी वैसे थोड़ी ना है कि कांग्रेस पार्टी की तरह की जब तक उधर नहीं गए तब तक कैंडिडेट ही बने रहे, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ हमको सीट घेर के बैठने वाले लोग थोड़ी ना, हम लोग खुद भी काम करो, आगे दूसरे को भी काम दो, पासिंग द बैटन, ये तो हमारा स्पिरिट होता है। यूपी में तो प्रयोग आपका सक्सेस रहा है ना, काफी कुछ हुआ पहले, सब जगह सक्सेसफुल रहा है, उत्तराखंड में भी सक्सेसफुल रहा है, तो क्या यहाँ होगा ही करना ही है। देखिए किसी को भी आराम से बैठने का अधिकार नहीं है, सब काम करने के लिए आए हैं, यहाँ घेरने नहीं आए हैं कुर्सी, तो करेंगे सब। 2 दिन तक हम भी आपके साथ थे, तो काफी चीजें आपने कही और काफी कवरिंग हुई है। आम आदमी पार्टी को लेकर तो आपने वैसे स्पष्ट कर दिया था, जो कंगलौर में सुन रहे थे कि तो वहाँ जैसे गुजरात में भी वो काफी चीजें कर रहे हैं, यहाँ भी उन्होंने कहा कि यहाँ हिमाचल में एक और एडिशन बात हो गई कि सारी आम आदमी पार्टी बीजेपी में आ गई, मुकाबला कैसे करेंगे? यूपी और उत्तराखंड में सर जमाई जब्त की बात हुई, हिमाचल में जमाई जब्त की जाएगी। देखिए वो हम इसलिए नहीं बोलते हैं, जो होता है वो हम बोलते हैं, हम किसी को छोटा क्यों करें। अब तो राजनीतिक लड़ने वाले लोगों में से, तो इसलिए जो अधिकार जनता का है वो हम कैसे ले लें। देखिए मैं कभी नहीं बोलता हूं कि बाकी सारे ये फलाना ढमकाना, मैं नहीं बोलता हूं। मैं बोलता हूं तो जनता के हाथ में है, उसके वोट का अधिकार हम कैसे, हमको ये दिखता है कि हम सबसे अच्छे सेवक हैं, इसलिए हमको आशीर्वाद मिलेगा तो हमको मिलेगा। अब आपको कोई नेता तो नहीं मिला कि इतने करोड़ इतने पैसे बताने वाला कोई मिला अभी तक? आपने तो नहीं कहा था कि नाड़े का नॉन उठा करके इधर से उधर करो, हमने किया कि नहीं किया? किसी ने हमको तो नहीं कहा था कि एम्स, कोई हमको ज्ञापन तो नहीं दिया था कि एम्स आना चाहिए, किसी ने तो नहीं कहा था कि MCH सेंटर यहाँ आना चाहिए, किसी ने तो नहीं कहा था कि ट्रॉमा यूनिट यहाँ आनी चाहिए। तो ये हम सेवा करते हैं तो फिर हमको कॉन्फिडेंस भी होता है कि जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा। बाकी तो सब यही करते रहे ना, किसमें कितनी कटना, कितना बढ़ना, कितना, तो फर्क है दोनों। पार्टी का आगे क्या करने जा रही है पार्टी? अभी आपको एक तो अभी हमारा विशेष संपर्क अभियान चल रहा है 30 तारीख तक, उसके बाद हमारा अपना त्रिदेव सम्मेलन चलेगा और ग्राम केंद्र सम्मेलन चलेंगे, और उसके बाद पन्ना समिति सम्मेलन चलेगा, फिर पंच परमेश्वर सम्मेलन चलेगा, फिर लाभार्थी सम्मेलन चलेगा, और फिर उसके बाद रथ यात्रा चलेगी, आशीर्वाद यात्रा चलेगी, फिर आशीर्वाद यात्रा आप लोगों का मिलेगा, फिर नई सरकार बनेगी।